भाई मेरे मजाक बना के रख दिए ये कोरोना, सब रहो साफ सुथरे किसी से तुम डरो ना, ये जिंदगी की जंग है मिलके तुम लड़ो ना। हाँ सुबह से बैठे ले घर पे निकलने की हिम्मत नहीं किसकी भी, क्योंकि पड़ते ढंडे बार फिर भी लोग बहुत ही हार्ड निकले बाहर, तो वजह बात सीधे खड़े लेके था लिया। दिस इज धारावी वेयर इन इट्स बाइजेंटाइन्स लेन्स एंड बाय लेन्स एंड गलीज। About 8.5 lakh people live in about a 2.4 square kilometer area. This is also an epicenter of the coronavirus infection. And here in the gullies of Dharavi, can the music, the rap music of Dharavi, made famous by Gully Boy, of course, be too far behind? The one thing you have to say for Indians is that no matter what happens, music and a sense of humor can never be too far behind. And these are, of course, kids who have come out to see what we are doing. But we're going to talk to some of the Dharavi rappers here. And I'm just going to ask these boys to introduce themselves. Apna naam? Afaq Sheikh. And you? Chetan. And you? MC Shahu. And you? Yes, Krishna, yeah. Okay, lovely to meet the Dharavi rappers. Do you have a group? What do you call yourself? Hum log solo hai. Solo. Group ke jaise hai. Acha, group jaise. Acha. We are more like brothers here. All four of you are like brothers? Yes, we are homies. So they are saying that we are like brothers, we are like homies, hum family jaise hain. And hum ye baat kar rahe the ki Bharat mein ek bahut achhi cheez hai ki kuch bhi ho jaye to ek music, ek sense of humor, ek optimism can never be too far behind. So I'm just going to hand it over to you guys to hear what you've created on the coronavirus. ओके तो हम लोग ने एक ट्रैक बनाया कोरोना वायरस के लिए, तो सबके लिए ये चीज सुना अच्छे से बिग बॉक्स। यो भाई मेरे मजाक बना के रख दिए ये कोरोना, सब रहो साफ सुथरे किसी से तुम डरो ना, ये जिंदगी की जंग है मिलके तुम लड़ो ना। हाँ सुबह से बैठे ले घर पे निकलने की हिम्मत नहीं किसकी भी, क्योंकि पड़ते ढंडे बार फिर भी लोग बहुत ही हार्ड निकले बाहर, तो वजह बात सीधे खड़े लेके था लिया, जब बजानी थी तालिया। हाँ कोई बात नहीं, चलो अच्छा है इसी बहाने रिश्तेदारों का घर पे आना जाना बंद, इनकी ज़िंदगी है जंग फिर भी रखते क्यों घमंड, जा बताओ डॉक्टरों को अगर सर्दी है बुखार है या लग रही हो ठंड। हाँ खुद में फैला है तो दूसरों में मत फैलाओ, घर वालों को बचाओ, हाँ क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग रहते वहीं उठे, इतना परेशान करती बीमारी नहीं जितना क्वालिटी उसे भाई खाँसते रहते, चीचा डरा डालते चीचा डरा डालते, फैंटास्टिक। तो ये कैसे आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आप भी गाओगे? नहीं। अरे क्यों? अच्छा बताओ कोरोना के बारे में क्या पता है आपको? घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर से बाहर नहीं निकलती है और बच्चों मास्क पहनो। अच्छा कितना देर लगा आपको ये क्रिएट करने में? हम लोग को 10 मिनट में हम लोग पूरा ट्रैक रेडी कर दिया बीट सुन के। तो आपको लगता है कि मतलब जो गली बॉय में फेमस हो गया धारावी का रैप, अभी उससे क्या आप तो पिक्चर में हो, तो उससे आपकी जिंदगी में क्या बदला? मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदला, मतलब मेरे को अभी बड़े बड़े शोज आने लग गए, बड़े बड़े गाने गा रहा हूँ, बड़े बड़े लेबल्स लोग के साथ काम कर रहा हूँ अभी, मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ है, पैसा आने लग गए, लोगों को लगता है धारावी में पैसा नहीं है, लोगों के पास है, पब्लिक काम कर रही है, सब लोग के पास सब कुछ मिल रहा है सब लोगों को। तो अब थोड़ा सा आगे आइए, आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी दिस यंग मैन, यू हैव ऑल सीन गली बॉय एंड ही वॉज हिज लाइफ वॉज इमोर्टलाइज इन दैट फिल्म। इफ द कैमरा कैन कम बैक एंड स्टे हियर, यू कैन सी द क्राउड्स गैदरिंग इन धारावी, लेट द कैमरा कम बैक टू द रैपर बॉयज वी हैव हियर, दिस यंग मैन स्टोरी वॉज इमोर्टलाइज इन गली बॉय। क्या आप धारावी के बारे में आज जो सिचुएशन है आप क्या समझाना चाहेंगे लोगों को? मैं ये समझाना चाहूँगा कि लोगों को ज़्यादा कुछ मिल रहा नहीं है यहाँ पे, जो बाहर दिखा रहे हैं वो सब गलत दिखा रहे हैं, बाहर गलत दिखा रहे, कुछ मिल रहा नहीं है, फैसिलिटीज़ लोगों को यहाँ पे मिलना चाहिए, जबकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे बहुत लोग इन्फेक्टेड भी हो रहे, पर बाहर से कुछ आ रहा नहीं है यहाँ के लोगों को, सिर्फ दिखाया जा रहा है कि आ रहा है पर यहाँ पे कुछ आ रहा नहीं है, तो बस वही चाहता हूँ कि ये इधर सब कुछ फैसिलिटीज़ आए धारावी में। अच्छा आपकी लाइफ बदलने के बाद आप धारावी के लिए कुछ करना चाहते हैं?
धारावी का नाम बड़ा करना चाहते हैं हम लोग, मतलब इसको जो स्लम एरिया में बोलते हैं ना, उस स्लम एरिया से मतलब दिखाना चाहते हैं कि कितना रिस्पेक्ट और टैलेंट है यहाँ पे। तो आप लोग तंग आ गए हैं कि एशिया बिगेस्ट स्लम जो बोलते रहते हैं। हाँ, स्लम है, पर सब इधर अच्छे काम करते हैं, लोगों को देखना चाहिए। यहाँ पे लोग खाना बना के दे रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, जो सबसे अच्छी बात है ये टाइम पे। फिलहाल अपने बारे में कुछ कुछ बताइए, आपकी फैमिली क्या? मेरी फैमिली फिलहाल तो मतलब स्लम टाइप है, स्लम एरिया में रहता हूँ मैं। और क्या करते हैं? डैडी पैरलाइज है, मम्मी टीचर है, लाइक बालवाड़ी पढ़ाती है, भाई हॉस्पिटल में काम करता है, बाबा हॉस्पिटल में। अच्छा, वहाँ से रनिंग होती है। और आप? मेरा तो, मैं अकेला ही घर पे कमाने वाला, पापा तो है नहीं, मम्मी है जो है घर में, अकेला ही चलाता हूँ। अमेजोन में काम करता हूँ, अभी तो कोरोना के टाइम पे फिर भी काम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पैसे तो चाहिए ही काम करने। और आप? लाइक मैं बचपन से मॉम डैड के पास रहता नहीं हूँ, मैं मेरे नाना नानी के पास रहता हूँ। मेरे डैड और मॉम दोनों भी फार्मर है, एंड बचपन से नाना नानी के पास बड़ा हुआ, सब कुछ सीखा। फिर बड़ा होने के बाद हिप हॉप में इंटरेस्ट आया, रैप किया, फिर सब कुछ सीखा, जानने लगा, धारावी जैसे जगह पे आके दोस्त लोग बहुत बने। बस म्यूजिक से आपकी जिंदगी क्या कैसे आपको क्या लगता है क्या बदलाव आ सकता है म्यूजिक से? जो हम रैपर्स लोग हैं, हम लोग अपने ना वर्ड्स को एक म्यूजिकल थॉट में प्रेजेंट करते हैं लोगों तक, जो पहुंचता है लोगों तक, फिर वो चेंज होता है मेंटेलिटी लोगों का, हम लोग जो वर्ड्स बोलते हैं उससे। वन लास्ट मैसेज आई वांट यू ऑल टू गिव इंडिया, क्या बोलेंगे? सेफ रहो घर पे, सब सेफ रहो, बी अवेयर फ्रॉम कोरोना, सब सेफ रहो घर पे, और एक दूसरे से थोड़ा कनेक्शंस मत रखो मास्क डाल के रखो और हाथ मत लगाओ किसी को। So these are the gully boys of Dharavi, and the one thing they're saying is stop stereotyping Dharavi as only being Asia's largest slum. That is a macro description. It doesn't capture the individual passions and the individual talents. And I want to leave you with the image of these four wonderful boys who describe themselves as homies, as a family, as more than brothers. And we thank you for your music.